जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है मेरी एनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मृत्यु पर विचार जन्म पत्रिका को देख करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर विचार किया जा सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस स्थिति में होगी जल में होगी आकाश में होगी किसी विषैले सर्पद से या किसी कीट पतंग के काटने से होगी या किसी बड़ी बीमारी से होगी हृदय घास से होगी सारी चीज़ों की जानकारी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में छिपी होती है जहाँ जन्म के नक्षत्र आदि का वर्णन होता है वहीं मृत्यु के घात चक्र का भी वर्णन व्यक्ति की पत्रिका में होता है छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन ज्ञानवर्धन के लिए इसको सुनिएगा आप आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं इकतीस मार्च सन 2024 दिन रविवार संबंध दो हज़ार अस्सी चैत्र मास कृष्ण पक्ष तिथि आज षष्ठी है नक्षत्र ज्येष्ठा जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे राहु काल साढ़े चार से छः दिशा पश्चिम दिशा जन्म पत्रिका वास्तव में एक बड़ा अद्भुत ज्ञान है उसका और ऐसे ही आपके हाथ की रेखाओं में भी अद्भुत ज्ञान छिपा है व्यक्ति को अपने बारे में जानना हो अपने भविष्य के बारे में जानना हो या अपनी संतान के भविष्य के बारे में जानना हो तो वास्तव में जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाएं बहुत अच्छा कार्य करती हैं आज हमारा सब्जेक्ट है मृत्यु की स्थिति को पहचाना जा, जा सकता है वास्तव में मृत्यु की स्थिति को पहचाना जा सकता है अगर आपकी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनी है नहीं तो फिर आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके आज जो भी बहुत दिनों के बाद ये हमने ज्योतिष पाठशाला का कार्यक्रम लिया है क्योंकि बहुत ऐसे साधक दर्शक हैं जो ज्योतिष सीखने के लिए भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मृत्यु की एक स्थिति सर्प दंश के कारण बहुत लोगों को सर्प दंश मार देता है डंक मार देता है डस लेता है काट लेता है और सर्प के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से हो सकती है तो आप एक कारण उसका जाने आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली देखें उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं जी अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली देखें हमने सिंह लगन की कुंडली बनाई है लग्न में ही राहु विराजमान है और शुक्र विराजमान है अब ये तृतीय भाव देखो जहाँ सात नंबर लिखा है ये तीसरा घर होता है सबको मालूम है तृतीय भाव में क्या राशि है तुला राशि है तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं शुक्र होते हैं तो एक ये योग बनता है यदि लग्न में राहु हो ध्यान से देखें यदि लग्न में राहु हो और तृतीय भाव का स्वामी राहु के साथ विराजमान हो जाए तो ये सर्वदंश योग बनता है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अक्सर सर्प काटने से देखी गई है एक योग और देखें नीचे देखें अष्टम में शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं अनेकों विद्वानों का मत है कि अष्टम आयु का घर होता है आयु भाव में यदि शुक्र के साथ राहु हो, तो ये भी विष योग की स्थिति होती है सर्प धन से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जानी जाती है यही शुक्र राहु एक युति और देखें द्वादश जो खर्च भाव भी है चाहे वो आयु का खर्च है धन का खर्च है इसमें भी शुक्र राहु की स्थिति हो तो ये योग भी अच्छा नहीं माना जाता कहने का भाव आपको लगन में शुक्र राहु देखे अकेले राहु नहीं है लगन में तृतीय भाव का स्वामी यानी कि तृतीय भी यदि राहु के साथ युतिबद्ध हो जाए तो ये योग अच्छा नहीं होता है इधर आपको अष्टम में दिखाया अष्टम आयु का घर होता है आयु के घर में भी शुक्र राहु इकट्ठे बैठ जाए तो वो भी स्थिति अच्छी नहीं है ऐसी द्वादश द्वादश इतना हमने देखा है द्वादश इतना वो नहीं हमें दिखता लेकिन प्रथम राहु लग्नांक हो और उसके साथ तृतीय भाव का स्वामी कोई भी हो अब ये तो हमने सिंह लगन बना दिया सिंह लगन की जगह कर्क लगन भी हो सकता है मिथुन लगन भी हो सकता है मेष लगन भी हो सकता है बस तृतीय उसके साथ हो तो ऐसी स्थिति बनती है ऐसे अष्टम में देखा अगर शुक्र और राहु अष्टम में भी इकट्ठे चले गए और तो भी कहीं ना कहीं सर्प के काटने से ऐसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है यानी कि किसी विष से किसी कीट पतंग से किसी भी जहरीली चीज़ से ऐसी व्यक्ति का अंत माना जाता है ऐसे ही चंद्रमा जलघात योग बनाते हों कैसे चंद्रमा हों वृश्चिक राशि के हों नीच राशि के हों अष्टम में बैठ जाए तो ये भी जलघात योग होता है इसमें भी पानी में डूब करके मृत्यु होने की संभावना रहती है इसलिए जिस जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव में हो और आठवीं राशि के हों वृश्चिक के हों तो उसे स्विमिंग से या पानी की तैराकी से दूर रहने की सलाह उसको दी जाती है तो आज आपने एक योग नोट किया ऐसे दो चार दस बीस पचास सौ आपको योग लिखा देंगे अपनी कापी में नोट रखें और यदि ऐसी कुंडली आपके सामने आती है और आप देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को नवनाग स्तोत्र पढ़ने की राय दे दी जाए दवाई तो हर चीज़ की बनी है ना काट हर चीज़ की बनी है ना समस्या है तो समाधान भी है तो ऐसा व्यक्ति यदि नवनाग स्तोत्र पढ़ने लगे तो उस व्यक्ति की सर्वदन से रक्षा होती है क्योंकि ये कोई पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध का योग होता है और देखो भैया कोई बहुत खतरनाक योग हो तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता इसीलिए कुंडली का अवलोकन कई बार समय पर करा लेना चाहिए है ना? तो आप नवनाग स्त्रोत्र ऐसे व्यक्ति पढ़ें जिनकी कुंडली में ऐसा योग हो तो उन्हें किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है आइए समय चला आज की ध्यान साधना का आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से ओम राजमणि सदा विजयते रामम र रामेणा विहता निशाचर्चमू रामायतास्मै नमः रामा, रामा परायणं परतरं रामस्य सदा रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वेदेहरणं जटायुमरणम् सुग्रीवसाम्बासणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहनम् एतद्दि रामायणम् बनाले ध्यान ध्यानगणे प्रभु श्री राम जी का सुभासी हम के ऊपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए देखो साज को ये छोटे छोटे योग हैं जो ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं उनके ये बहुत काम आएंगे और सामान्य जन जिन्हें ज्योतिष नहीं भी आती है तो भी आप अपने इंटरेस्ट के लिए इस विद्या को थोड़ा ध्यान से समझो परखो तो भी आनंद आएगा और राहु की एक बात और बताएँ पहला घर चाहे वो कोई भी राशि हो तो वो मस्तक होता है चेहरा होता है और राहु यदि शुभ स्थिति के किसी के मस्तक पर न बैठे हों तो वो व्यक्ति हमेशा अक्सर छिड़छिड़ा रहेगा कहीं ना कहीं उसकी बात कटीली सी नज़र आएगी और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का चार लोगों में मान सम्मान का हनन योग भी ऐसे व्यक्ति का बन जाता है इसलिए तो कहा जाता है टाइमली अपने बच्चों की पत्रिकाएं बनवा करके रख ली जाए ताकि समय समय पर उन योगों को पहचान करके उनके उपाय किए जा सकते आप हैं। आप स्वस्थ रहें सुखी रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय जय जिस वक्त मैं पहली बार गुरु जी से मिला मुझे मिलते बुझे ले बुझे ले ये बात कि आप यहाँ आए बहुत अच्छा काम किया नहीं तो आपको एक महीना बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता इन्होंने जो मुझे मंत्र दिया आज उसकी बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ गुरु जी की बदौलत गुरु जी ने जो मंत्र दिया मुझे अटक तो आया लेकिन मुझे दवा खाना जाना पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ऐसी नोट शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक हमारे विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूले